वेस्ट इंडीज के खिलाफ डोमिनिका में पहले टेस्ट मैच में भारत के लिए डेब्यू करने वाले 21 वर्षीय ओपनर यशस्वी जायसवाल द्वारा शतक जड़ने के बाद उनके पिता भूपेंद्र जायसवाल कांवड़ यात्रा पर निकल गए। मैच में यशस्वी द्वारा बल्लेबाजी करने के दौरान ही उनके पिता कांवड़ यात्रा पर निकले थे। उन्होंने कहा कि वह अपने बेटे के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से आए सैलाब में अजमेर के 7 युवक बह गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई है जबकि 3 की तलाश की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 युवक मनाली घूमने गए थे। युवक के परिजनों ने बताया है कि उनसे आखिरी बार 8 जुलाई को बातचीत हुई थी। जलगांव महाराष्ट्र स्टेशन पर ओवरहेड हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में शख्स एक मालगाड़ी टैंकर पर चढ़ते व करंट लगने पर नीचे गिरता दिखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक करंट लगने के बाद लोगों ने शख्स को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शाहजहांपुर में एक शख्स ने अपनी 3 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या कर शव को खेत में जला दिया, राख व हड्डियां नाले में बहा दी। मायके वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 18 वर्षीय मृतका की 5 महीने पहले शादी हुई थी। यूपी के रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें, पिछले साल आजम को एक अन्य मामले में 3 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। बरेली में हिस्ट्री शीटर अजय वाल्मीकि की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात प्रेमनगर थाने के पास हुई। थाने से निकले सिपाहियों ने एक आरोपी विजय को पकड़ लिया। तन्नू और लाले नामक 2 आरोपी फरार हो गए। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। दरअसल मृतक के चाचा बल्ले ने बताया, अजय हत्या आरोपियों के खिलाफ सट्टे की शिकायत कर रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। आज की खबरों में बस इतना ही। हर दिन की बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डेली बिग अपडेट्स।